खरगोन जिले के ग्राम गौली पाडलिया में किसान इन दिनों खेतों में खड़ी फसल की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यहां गिरोह के रूप में सक्रिय चोर कपास की फसल रात के अंधेरे में चोरी कर रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए किसान एसपी ऑफिस पहुंचे थे। किसानों ने संबंधित थाना और पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एसपी से चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने की मांग करते हुए शिकायत आवेदन सौंपा है। किसानों ने बताया कि चोर गिरोह के रूप में हथियारों के साथ आते हैं, उनका निहत्ते किसान सामना नहीं कर पाते हैं। गत दिनों एक चोर भी पकड़ा गया, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही करने के बजाय उल्टा किसानों पर ही प्रकरण दर्ज कर दिया। किसानों ने एसपी से अहिरखेड़ा पुलिस चौकी पर पदस्थ स्टाफ के खिलाफ किसानों पर बनाए झूठे प्रकरण दर्ज पर कार्रवाई करने की मांग की जाए और गश्ती बढ़ाने की बात कही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। चोरी की शिकायत है सर, रात में कपास हर 10 से 15-20 किसानों के खेतों में कपास भी नहीं होती है और रोज डेली, और दिन में भी ये मान के चलो कि 5-10 किसानों के खेतों से पोटले ले जाते हैं। अभी 3-4 रोज पहले तो कालवड़ फाटे पे एक लड़का पकड़ में आ गया और आए दिन इतने परेशान करते हैं कि किसान और ग्रामीण इतने परेशान है कि लोगों का मन करता है कि गाँव छोड़ दें। तो क्या रोज चोरियाँ हो रही? रोज चोरियाँ हो रही। जब कपास ले जाते हैं, कपास ले जाते हैं तो रात में कि दिन में? रात में ले जाते हैं। रात में कपास। क्या नाम है आपका? मनसाराम नायक। मैं गवली पाटलिया से, थाना गोगांव, तहसील गंगांव। हमारे यहाँ अहिरखेड़ा चौकी और कुंदा माल खराड़ी, ये लोग हमको परेशान करते हैं। रात दिन कपास बिनते हैं, दिन में पोटले उठा ले जाते हैं, रात में कपास बिनते हैं। हम परेशान हो रहे हैं और अहिरखेड़ा चौकी पे जाते हैं कि हमारे पास जवान नहीं है, तो आज हमने यहाँ आके जवान की मांग करी है। यहाँ मांग, क्या शिकायत की आपने, क्या मांग करी? भाई दो जवान वहाँ भेजो, साहब को चर्चा करी हमने। ऐसे कितने किसान का खेत है जहाँ पर चोर आए दिन? 300-400 घर की बस्ती है, सभी के खेतों में से ले आते हैं। कहाँ के चोर आते होंगे? सब गांव के हैं या बाहर के? कुंदा माल यहाँ हमारे पड़ोस में, कुंदा माल। क्या नाम है आपका? रामा नायक। कहाँ रहते हो? लवली पाटले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।